गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी का पुतला बनाकर अभद्र कार्य करने पर कांग्रेस के नेता मुखर हो गए हैं। इसी के चलते हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने AICC सदस्य व प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा की अगुवाई में DC हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा और इस कार्य में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर जिला प्रधान कांग्रेस नरेश ठाकुर, मनोज शर्मा, विवेक कटोच के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। AICC सदस्य सुनील शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि BJP का चेहरा आज बेनकाब हुआ है और बापू गांधी की पुण्यतिथि के दिन हुए हरकत से सभी हैरान हैं। उन्होंने कहा कि BJP आज अराजकता का माहौल बना रही है, जिसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनावों में BJP को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ देश में शांति का माहौल पैदा करने के लिए कांग्रेस दिन रात सर्वधर्म सर्व समाज के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ देश को तोड़ने के लिए ताकते हैं। भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के जो लोग हैं वो नथुराम गौडसे अमर रहे के नारे लगाते हैं। जिस देश में अमन और शांति होना चाहिए उस देश को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे जो पर्दे के पीछे से ये काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी देश को कभी भी टूटने नहीं देगी। देश में सभी धर्मों का मान सम्मान हो, देश में सभी समाज के लोगों का मान सम्मान हो, उस विचारधारा से देश में काम करेगी और आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस अराजकता का देश को बांटने का माहौल पैदा कर रही है उसमें कामयाब बिल्कुल भी नहीं होगी और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज हमने ज्ञापन दे करके ये दर्शाया है कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मान सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपको इस देश में राज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि गांधी का पुतला बनाकर की गई छेड़छाड़ से अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है और इस काम में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज का जो हमने जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है कि 30 जनवरी को जब हमारे जो राष्ट्रपिता हैं श्री महात्मा गांधी जी उनकी पुण्यतिथि थी और उस पुण्यतिथि जब पूरा देश जो पुण्यतिथि मना रहा था तो अलीगढ़ यूपी के अलीगढ़ शहर में जो हिंदू महासभा की इनकी राष्ट्रीय सचिव है उसने एक कृत्रिम जो पिस्टल के माध्यम से उनकी तस्वीर के ऊपर कई गोलियां दागी और वहां पर लहू गिरता हुआ दिखाया गया। इससे जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है और जो जिस महात्मा गांधी जिनको पूरा देश राष्ट्रपिता के रूप में मानता है ये हिंदू महासभा जो है इनकी जो राष्ट्रीय सचिव है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में ही जो आगे चलकर इन फ्यूचर ऐसी कोई बात